हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लेवल्स के बारे में। तो HPCL में आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में किस तरह के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और इसमें चार्ट में किस तरह की जो मूवमेंट है उसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में अभी जो लेवल हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखें जो कि हमने 2 वीक्स पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आपको अवेयर किया था कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो उसके बाद इसमें किस तरह की जो मूवमेंट हुई है उसे अभी फिर से डिस्कस करते हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये डे चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां पर आप देख सकते हैं ये चीज़ हमने आपको लास्ट वीडियो में भी यही चीज़ डिस्कस की थी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर, ये मैं चार्ट जूम आउट करूँगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ये वाली वीडियो जो ये वाला जो कैंडल, जो बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं, ब्रेकआउट वाली कैंडल बिग वॉल्यूम के साथ, अगर इसका वॉल्यूम देखें तो भी हाई है, तो ये वाली कैंडल जब बनी थी तभी हमने आपको अवेयर किया था कि 237.5 के ऊपर में जब तक हिंदुस्तान पेट्रोलियम है ये ज़रूर इसमें एक बड़ी रैली होने की पोटेंशियल है। और जहाँ पर उसके कुछ दिनों तक आप देख सकते हैं कि ये कैंडल का जो क्लोजिंग है वो 245.7 की हुई थी और उसके बाद इसने 259.25 तक का हाई भी लगाया, और क्योंकि मार्केट गैप हर दिन गैप अप या फिर गैप डाउन हो रहा है, बड़ा बड़ा गैप डाउन भी लगा है, तो उसी के कारण इसमें थोड़ी सी करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। अपर साइड से फिर से ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसमें इसकी क्लोजिंग हुई है 243.2 की। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में वो जानते हैं, जहाँ पर अगेन मैं सेम वही वर्ड रिपीट करूँगा जो कि ये वाली वीडियो में कहे थे आपके साथ, जैसा कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था जब तक कि 233-238 के नीचे था हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो वहाँ पे क्या हो रहा था यहाँ पर आप गौर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं या फिर यहाँ पर सेम उसी रेजिस्टेंस एरिए को टच कर करके इसमें बड़ा बड़ा करेक्शन बार बार देखने को मिला था नीचे के लेवल से। चाहे हम यहाँ की बात करें, अगेन आप देख सकते हैं जस्ट टेस्ट किया लेवल को, उसके बाद ये वाली भी देख सकते हैं छोटा छोटा करेक्शन यहाँ से डाउन साइड की रिवर्सल देखने को मिली, अगेन ये वाली भी, बट इसके बाद फाइनली जब ये ब्रेकआउट हुआ है 237.5 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसे ब्रेकआउट करके इसमें ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगभग 2 सप्ताह हो गए ये ऊपर की तरफ ही ट्रेवल कर रहा है। मार्केट 300-300 पॉइंट नीचे भी चला जाता है एक एक दिन में भी, इंट्राडे में अगर निफ्टी की हम बात करें तो इंट्राडे में 400-500 पॉइंट भी डाउन मूव लगा दिया था, बट ये स्टॉक आप देख सकते हैं एज इट इज़ लेवल के ऊपर में है। तो अभी भी जो इसकी क्लोजिंग है वो 243.2 की है, बट 237.5 और 233.5 ये बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए, जहाँ पर ये हम अगर कुछ लंबे समय का इसमें टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि आप देख सकते हैं 237.5 के ऊपर में ये जब तक है इसमें एक बड़ी रैली होने की बिल्कुल पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि इसके नियर बाई में अगर आप देख सकते हैं, आपको चार्ट का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि ऊपर में 237.5 के ऊपर में कोई भी नियर बाई में मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। सीधा अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ, सीधे अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 297-298 का इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसमें यहाँ तक जाने की पोटेंशियल है अगर मार्केट में सपोर्ट मिले, अगर मार्केट का सपोर्ट मिले इसे, या फिर कोई बड़ी बिग करेक्शन वगैरह देखने को नहीं मिली पूरे ग्लोबल मार्केट या फिर निफ्टी सेंसेक्स में, तो ज़रूर ये जो सपोर्ट लेवल हमने आपसे डिस्कस किए यहाँ पर आता है तो ज़रूर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ऐड कर सकते हैं, और जब तक 233.5 का लेवल ब्रेक करके नीचे में क्लोज नहीं करता है तब तक इसमें बाइंग में रह सकते हैं। और जहाँ पर हमने आपसे अपर साइड के लेवल भी डिस्कस कर दिए कि 297-298 तक इसमें जाने की पोटेंशियल है, बट उसके लिए वक्त लगेगा और आपको वक्त देना पड़ेगा और मार्केट का सपोर्ट भी मिलना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबली निफ्टी वगैरह में कोई बड़ा करेक्शन अगर नहीं आता है, इसी तरह से अपर साइड ही ये ट्रेवल करता रहता है, अगर अटका रहता है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है एज़ पर टेक्निकल इसमें एक अच्छी खासी रैली की संभावना बिल्कुल है। तो सपोर्ट लेवल को ज़रूर नोट करके रखें, और यहाँ पे आता है तो इंट्राडे में तो आप बेनिफिट ले ही सकते हैं, और अगर आप होल्डिंग पर्पस पे जाना चाहते हैं कुछ 1.5-2 महीने जैसा अगर होल्ड करना चाहते हैं इसे,
तो विथ लेवल्स जब तक इसके ऊपर में है ज़रूर ऐड करके रख सकते हैं। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, जहाँ पे केवल आप लेवल्स को फॉलो करें और किसी चीज़ को मत देखें, तभी आप इसमें पॉजिटिव वे पे बेनिफिट ले पाइएगा। और हमने आपसे लेवल डिस्कस कर दिए, इसे ज़रूर नोट करके रखें, तभी आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा ले पाइएगा। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह के एडवांस लेवल जो भी स्टॉक में हमें बनने को दिखते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने कैनरा बैंक को मैं आपको प्योर इंट्राडे लेवल अवेयर किया था, और वहाँ से एग्जैक्टली हाई लगा के इसमें लो लगा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं इंडिगो, यस बैंक, सारे आप जाके चेक करें, और लेवल्स किस तरह से वर्क किए आने वाले अगले 2-3 दिनों में उसे ज़रूर चेक करेंगे, तभी आपको ट्रस्ट हो पाएगा, और ट्रस्ट हो पाएगा तो आप अभी हमने HPCL में जो भी कहा इसका फ़ायदा ले पाइएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।